औरत अपनी एक चीज अपने पति को कभी नहीं देती है। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के साथ बैठी हुई थी और बैठी बैठी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते भगवान विष्णु से प्रश्न पूछने लगती है, स्वामी मेरा पहला प्रश्न है, कौन सा काम औरत अपने पति से पहले करना चाहती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी चीज औरत अपने पति को मरते दम तक नहीं देती है, चाहे औरत को कितनी भी खुश कर लो? माता लक्ष्मी कहती है, स्वामी देखा जाए तो औरत का विवाह हो जाने के बाद औरत अपने पति को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है और औरत की हर चीज पर उसके पति का अधिकार होता है और पति की भी हर चीज पर उसकी पत्नी का अधिकार होता है। स्वामी आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए, क्योंकि मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपके श्री मुख से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी अगर तुम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा, देवी आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। फिर भगवान विष्णु ने कहा, सुनो देवी, एक बड़ी ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी का राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। वहां की प्रजा को राजा अपनी संतान की तरह प्यार करता था और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। उस राजा के एक बेटा था जिसका विवाह होने वाला था, इसलिए राजा के महल को और सारी नगरी को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा रहा था। राजकुमार का विवाह जिस राजकुमारी से होने वाला था वह बहुत ही रूपमती थी। राजकुमार अपने कक्ष में लेटा हुआ राजकुमारी के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते अचानक से उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी और वह उसी समय राजकुमारी के पास जाना चाहता था। इसलिए राजकुमार ने एक योजना बनाई और सबसे छुपते छुपते महल से निकलकर चल पड़ा और अस्तबल से एक सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। रास्ते में चलते चलते जब वह एक घने जंगल से गुजर रहा था तो वहां उसे बहुत ही जोर से प्यास सताने लगी। राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा और वहां पर उसे कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। वहां पर उसने कई छोटे मोटे तालाब और नदियां देखी, लेकिन संयोग से उनमें पानी नहीं मिला। राजकुमार को घूमते घूमते एक झोपड़ी दिखाई दी। तब प्यास से व्याकुल राजकुमार उस झोपड़ी के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर राजकुमार को झोपड़ी के पास में ही एक बावड़ी दिखाई दी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, इस तरह राजकुमार को बावड़ी दिखाई देने से उसके मन में आशा की एक किरण निकली और उसने सोचा कि शायद इस बावड़ी में पानी होगा। राजकुमार ने बावड़ी के नजदीक जाकर उसमें देखा तो उस बावड़ी में पानी भरा हुआ मिला। पानी को देखकर राजकुमार को प्यास और भी जोर से लगने लगी। राजकुमार ने फटाफट बावड़ी से पानी निकाला और पानी पीने लगा। जब उसने भरपेट पानी पी लिया तो वह देखता है कि उस झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है और वह औरत राजकुमार से कहने लगी, बेटा कहीं तुमने इस बावड़ी का पानी तो नहीं पी लिया? और यदि तुमने इस बावड़ी का पानी पिया है तब तो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह बावड़ी एक महर्षि के द्वारा श्रापित है और इस बावड़ी का पानी पीने से आदमी नरभक्षी बन जाता है, इसलिए आज से तुम भी रात होते ही नरभक्षी बन जाओगे और उस समय तुम्हारे पास जो भी मनुष्य आएगा तुम उसका भक्षण कर लोगे। उस समय तुम यह नहीं सोचोगे कि यह मेरे माता पिता है या मेरे भाई बहन है या मेरे दोस्त रिश्तेदार है। उस समय तुम्हारे निकट आने वाले पशु पक्षी या मनुष्य तुम्हारा भोजन होगा। उस बूढ़ी औरत के मुख से श्राप की बात सुनकर राजकुमार बहुत ही दुखी हुआ और कहने लगा, हे बूढ़ी माँ, तब तो मैंने इस बावड़ी का पानी पीकर बड़ा ही अनर्थ कर डाला है।
ऐसे में तो न जाने कितने मनुष्यों को रोजाना अपना आहार बनाऊंगा, जिसमें मेरे अपने भी शामिल हो सकते हैं। तब राजकुमार बूढ़ी माँ से हाथ जोड़कर बोला, है माता, क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? और अगर नहीं है तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगा, जिससे मैं कम से कम दूसरे बेगुनाह मनुष्यों को मारकर अपना भोजन तो ना बनाऊं। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, इससे मुक्त होने का उपाय तो है, यदि तुम कर सको तो ठीक है। तब राजकुमार ने कहा, हे माता, इस श्राप से मुक्त होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कठिन से कठिन काम भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ तो सही। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, यहाँ से 3 कोश दूरी पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ पर हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ जंगल है और उस पहाड़ पर एक काया पलट नाम की जड़ी बूटी है। यदि तुम उस जड़ी बूटी का रस निकाल कर पी लोगे तो तुम इस भयंकर श्राप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि रात होने पर तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर छुप जाना। यदि तुम मनुष्यों की बस्ती में चले गए तो ना जाने कितने ही निर्दोष मनुष्य तुम्हारा आहार बन जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। फिर राजकुमार ने उस बूढ़ी औरत से कहा, ठीक है माता, मैं इस बात का भली भांति ध्यान रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार उस कायापलट औषधि को ढूंढने के लिए चल दिया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, हे स्वामी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दे रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, धैर्य रखिए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में मिलने वाले हैं। आप इस कहानी को जरा ध्यान से सुनते रहिए। उधर वह राजकुमार बड़ा ही चिंतित होता हुआ उस पहाड़ की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। वह औषधि वाला पहाड़ वहां से काफी दूर था और इधर अंधेरा भी होने लग गया था। राजकुमार ने सोचा कि अब आगे का रास्ता मैं कल सुबह सूर्योदय के बाद ही तय करूंगा। पहले मैं किसी एकांत स्थान पर जाकर रात गुजार लेता हूँ। यदि मैं नरभक्षी बन गया तो मेरे द्वारा कई निर्दोष आदमियों की जान चली जाएगी। राजकुमार राजकुमारी से मिलने का विचार तो अपने मन से निकाल ही चुका था, क्योंकि वह जानता था कि इस दशा में राजकुमारी से मिलना भी उसके लिए हितकारी नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वह राजकुमार गांव और नगरों को बचाता हुआ जंगल की तरफ चला गया, जहां पर किसी भी मनुष्य के आने जाने का रास्ता नहीं था, और उसने अपने आप को एक पहाड़ की गुफा में बंद कर लिया। इधर काफी रात हो चुकी थी और वह राजकुमार नरभक्षी के रूप में परिवर्तित होने वाला ही था। इधर राजकुमार ने अपने आप को जिस गुफा में आया था उसी गुफा में एक बड़ा ही खुखार शेर रहता था, और वह शेर आए दिन लोगों की जान लेता रहता था। चारों तरफ लोगों के मन में उस शेर को देखकर दहशत फैली हुई थी। जब वह राजकुमार गुफा के अंदर पहुंचा तो उसे वह खुखार शेर गुफा के अंदर बैठा हुआ मिला। उस शेर ने राजकुमार को देखा तो मन में बड़ा खुश हुआ कि आज तो घर बैठे ही भोजन चलकर आ गया। शेर घूरता हुआ राजकुमार की तरफ झपटकर उसे खाने वाला ही था। तभी राजकुमार पर उस श्राप का असर होने लगा और क्षण भर में ही वह मनुष्य से नरभक्षी पिशाच के रूप में बदल गया। शेर ने देखा कि यह तो कोई मुझसे भी अधिक खुखार जानवर है और वह डरकर अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। नरभक्षी राजकुमार भी उस शेर को देखकर उस पर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में वह शेर को मारकर खा गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में रात भर उस गुफा में बिताई और सूर्योदय होते ही वह अपने असली रूप में आ गया। राजकुमार उस गुफा से निकलकर आगे का रास्ता तय करने लगा। तभी गांव के कुछ लोगों ने देखा कि यह युवक तो उस दिशा से आ रहा है जिस दिशा में वह आदमखोर शेर रहता है।
लोगों को उसे जीवित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सब लोग पूछने लगे, अरे भाई तुम कौन हो और इधर कहां से आ रहे हो? इधर तो एक खुखार शेर रहता है जो लोगों को मार कर खा जाता है, तुम भला जीवित कैसे बचकर आए? तब राजकुमार ने बताया, अरे भाई मुझे किसी बात का डर नहीं लगता है। जिस शेर की बात कर रहे हो वह तो उस गुफा के द्वार पर मरा हुआ पड़ा है और मैंने उसे मार डाला है। राजकुमार की बात सुनकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सब इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए गुफा के पास गए तो देखा सचमुच वह शेर मरा हुआ पड़ा था। यह देखकर लोगों के मन में शेर को लेकर दहशत थी वह खत्म हो गई और पूरे राज्य में इस बात की खबर फैल गई कि एक सामान्य व्यक्ति ने उस शेर को मार डाला है। जब यह खबर वहां के राजा को पता चली तो वह राजा राजकुमार को मिलने के लिए अपने राजमहल में बुलाता है और उससे कहता है, हे नौजवान, तुमने उस शेर को मारकर हमारे राज्य की प्रजा को निर्भय कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी वीरता और साहस से बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता दी है। इस खुशी में मैं तुम्हें एक उड़न खटोला इनाम के तौर पर देता हूँ। और उस राजा ने कहा, यह उड़न खटोला तुम्हें पल भर में यहाँ से वहाँ पहुँचा सकता है। राजा से उड़न खटोला प्राप्त करके राजकुमार भी बड़ा खुश होता है और सोचने लगता है, यह तो बड़ा ही अच्छा हुआ, अब मैं इस उड़न खटोला पर बैठकर उस पहाड़ पर आसानी से पहुंच जाऊंगा। राजकुमार ने वैसा ही किया, वह उस उड़न खटोला पर सवार होकर उस पहाड़ पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां कायापलट नाम की अनेक जड़ी बूटियां चमक रही थी जो बार बार अपना रूप बदल रही थी। बूढ़ी माँ ने उसे पहले ही बता दिया था कि जो बूटी अपना रंग रूप बदलते दिखाई दे उसी का रस निकाल कर पी लेना। राजकुमार ने बिना समय गवाए उस जड़ी बूटी का रस निकाल कर पी लिया क्योंकि इधर शाम होने वाली थी। राजकुमार अब निरोगी हो चुका था। अब राजकुमार ने क्या किया कि वह उस उड़न खटोला पर बैठकर अपनी राजकुमारी के नगर को चला गया और वहां पहुंचकर वह अपनी राजकुमारी से मिलता है और राजकुमारी भी अपने राजकुमार से मिलकर बड़ी खुश होती है। इधर राजकुमार ने अपने नगर में खबर भिजवा दी कि आप बारात लेकर आ जाओ, मैं अपने ससुराल पहुंच चुका हूं। इधर राजकुमार की बारात जाती है और अगले दिन उसका राजकुमारी के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ विवाह हो जाता है और वह अपने नगर को वापस लौट आते हैं। दोनों ही बड़े आनंद के साथ रहने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद राजकुमार के घर में एक पुत्र का जन्म होता है और पुत्र की खुशी में राज परिवार में जश्न मनाया गया, प्रजा में मिठाइयां बांटी गई। इधर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आपकी लीला मेरे को तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आई, मेरे दो प्रश्नों का उत्तर बताने के लिए आपने मुझे एक राजकुमार की पूरी कहानी सुना दी लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब बहुत ही जल्द तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। फिर क्या हुआ, एक दिन उस राजकुमार के राज्य पर शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया। तब राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में जाता है उड़न खटोला की सहायता से। राजकुमार ने अपने दुश्मन की सेना में खलबली मचा दी परंतु युद्ध में तीर लग जाने के कारण राजकुमार की भी जान चली गई। जब राजकुमार की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग उसे अर्थी पर रखकर शमशान में ले जाने लगते हैं तो उसकी पत्नी वहीं पर खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। राजकुमार के सभी परिवार वाले उसे कंधा दे रहे थे और उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, यह वही चीज है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती और पति जो स्त्री को दे सकता है। हमारे धर्म की यही परंपरा है, पति के मरने के बाद स्त्री उसे कंधा नहीं दे सकती और ना ही उसे शमशान में साथ ले जा सकती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी,
तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर सुनो। सुहागन स्त्री यह कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, जिससे उसका पति उसे कंधा दे सके और उसे मुखाग्नि दे सके और उसका तारण हो सके। वैसे भी पति के मरने के बाद स्त्री के जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता, पति के बिना उसका जीवन जीवन नहीं रहता। कहते हैं पति के बिना एक स्त्री की कोई मोल नहीं है, एक पुरुष के बिना स्त्री का जीवन बड़ा ही कष्टकारी होता है। वे स्त्रियां बड़ी भाग्यशाली होती है जो पति से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और पति के हाथों संस्कार होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शर्मा स्टोरी नंबर 1 को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि प्रतिदिन इसी तरह वीडियो मिल सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।